अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजुम्स माशाल्लाह रेसिपीज़। मेरा नाम है अंजुम खादिम। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे क्रीमी पालक पनीर। जैसे कि हम सब जानते हैं, पनीर काफ़ी लोगों का फेवरेट है, खास करके वेजिटेरियंस का। तो आज की ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए। तो पालक पनीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है पालक, तेल, पनीर, अमूल का फ्रेश क्रीम, नमक, ज़ीरा, लहसुन और हरी मिर्ची। सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे। ये पानी को हमारे जोश आ गया है, अब इसके अंदर हम हमारी पालक डालेंगे। इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस एक मिनट के लिए हमें पकाना है ढककर। तो हमें एक मिनट हो चुका है, ये हमारी पालक पक चुकी है। अब इसे हम इसका गर्म पानी सब ड्रेन कर देंगे। इसे ड्रेन करके हमें फौरन चिल्ड वाटर में डालना है। अब इसे एक मिनट तक इसी तरह ठंडे पानी में रहने दीजिए। अब फ्रेंड्स, हमें हमारी जो पालक है उसको अच्छी तरह स्क्वीज कर लेना है और मिक्सर जार में डालना है। फिर उसी के साथ हमें हरी मिर्ची, लहसुन अब इन तीनों को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये पालक हमारी ग्राइंड हो चुकी है, लेकिन हम इसे वापस से ग्राइंड करें क्योंकि इसमें लहसुन दिख रहा है। लहसुन भी बारीक होना चाहिए हमारा। ये देखिए, हमारा पालक पूरी तरह पीस चुका है, इसमें लहसुन भी नहीं है। अब कढ़ाई में हम हमारा तेल गरम कर देंगे। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें इसके अंदर डालेंगे जीरा, जो पालक हमने पीसी थी ग्राइंड की थी वो डालेंगे। इसे ढककर रखेंगे। इसे हमने ढककर स्लो गैस पे पकाना है। पालक में हम हमारा थोड़ा सा नमक डालेंगे। पालक हमारी पूरी तरह पक चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। और इसी के साथ डालेंगे हम पनीर और इसे दो मिनट के लिए ढक के स्लो आंच पे दम पे रख देंगे। तो ये पालक पनीर हमारा तैयार हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो इंतज़ार किस बात का, जाइए पकाइए और खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।